हाय दोस्तों, नमस्कार। कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एग्रोटेक। और आज मैं आप सबों का स्वागत कर रहा हूं मालदा टाउन से। ये हमारा जो ईस्टर्न रेलवे को जोड़ने वाली लाइन है मालदा टाउन। मालदा टाउन के बारे में आप काफ़ी सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। और ये यहां से बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत नज़दीक पड़ता है। इधर अगर जो आप ईस्टर्न एरिया में जो हमारे सेवन सिस्टर एरिया हैं उसमें अगर जो टूरिस्ट के लिए आप जाते हैं, गैंगटॉक हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब जो बढ़िया सुंदर घूमने वाली जगह अगर जो जाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसी रूट से हम लोग जाते हैं। जितने भी रूट आप लोग आते हैं, दिल्ली हो गया, विशाखापट्टनम वगैरह से हो गया, तो जितनी रेलवे लाइन है ये सब टोटली का टोटली मालदा टाउन से ही जाती है दोस्तों। और इधर बोला जाए दिल्ली और पटना वगैरह भी जाने के लिए जो है टोटली के टोटली मालदा टाउन से ही जाते हैं दोस्तों। आज मैं मालदा टाउन का रेलवे स्टेशन के पास हूँ दोस्तों। रेलवे स्टेशन के बाहर वाली एरिया है, ये काफ़ी सुंदर फ्रेश जगह है, अच्छी जगह है मालदा टाउन दोस्तों। और ये हमारा इंडियन फ्लैग है। और इधर से यहाँ से थोड़ी दूरी पर है दोस्तों फरक्का बैरेज, जिसको गंगा जी को दो भागों में बांटा गया। एक हुगली के नाम से प्रसिद्ध है जो कलकत्ता हावड़ा की ओर जाती है, और दूसरी इधर से बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। मतलब कि यहाँ फरक्का बैरेज भी काफ़ी सुंदर जगह है, देखने के लायक भी बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। और मालदा टाउन में एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है, और एयरपोर्ट हमारे पास टाइम नहीं हो पाया था जिसके कारण हम एयरपोर्ट आप लोग को नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या हुआ कि दोस्तों हमारा ट्रेन मिस हो जाने के कारण हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है अभी थोड़ी देर पहले। अब जनरल का टिकट लेकर के अब देखते हैं, टीटी साहब से बात करेंगे इसमें सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो समस्या वाली बात हो गई क्योंकि थोड़ी सी हम बिजनेस के सिलसिले से आए हुए थे दोस्तों। और हमारी ट्रेन मिस हो जाने के कारण एक मौका भी मिल गया दोस्तों कि आप सबों को मालदा टाउन के रेलवे स्टेशन, मालदा टाउन के बारे में थोड़ी कुछ बतावें। और यहाँ की लैंग्वेज की भी अगर जब बात बोला जाए तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं लैंग्वेज में। अगर जो आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर लेंगे सभी लोग यहाँ आपसे। ऐसे जुड़ने की आपको बंगाली जानना पड़ेगा, आप थोड़े मोड़े बंगाली भी जानते तो भी चलेगा, हिंदी भी बहुत अच्छा फ्रेश बोला जाता है दोस्तों। और थोड़े मोड़े अगर जो इंग्लिश वगैरह भी जानते हैं भाषा तो वो भी दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर जो देखा जाए इसमें एक टूरिस्ट प्लेस भी है, और पूरी रेलवे लाइन को जोड़ने वाली एरिया है मालदा टाउन जिसे बोला जाता है। और दोस्तों हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मैं दिखाऊँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री हरि।